नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी। 25 अप्रैल से कुछ शासकीय भवन खोले गए हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने मंत्रालय, वल्लभ भवन, विंध्याचल और सतपुड़ा के 30% कर्मचारियों को कार्य के लिए बुला लिया है। लगभग एक महीने के बाद सरकारी कार्यालय प्रारंभ हुए हैं। लोगों में उत्साह है, लोगों में कुछ लोगों में भय भी है, लेकिन उसके बाद भी आज बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी सतपुड़ा, विंध्याचल में पहुंच रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश शासन ने कहा था कि 30% कर्मचारियों को आना चाहिए, वो चीज़ लगभग यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। और इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का आना, जो मुख्यमंत्री की मंशा है कि मैं सरकारी कार्यालय खोलूंगा तो भीड़ नहीं लगाऊंगा, उसके विपरीत है। हालांकि मध्य प्रदेश शासन ने कल जो परिपत्र जारी किया था उसमें गाइडलाइन भी जारी की थी कि किस प्रकार से कर्मचारियों को कार्यालय में आना है, तो उसका अक्षरशः कहीं पर पालन नहीं हो रहा है। हालाँकि सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में नीचे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग जरूर की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर्स और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। हम कर्मचारियों से अपील करते हैं कि वे पूर्ण सुरक्षा के साथ कार्यालय आएं और सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसका पूर्ण रूप से पालन करें। 30% कर्मचारी वल्लभ भवन में आए हैं और अपना कार्य निभा रहे हैं। वहीं सोशल डिस्टेंस का, जो डिस्टेंस का कहा गया था, उसका नियम का पालन किया जा रहा है। बार बार हाथों को सैनिटाइजर किया जा रहा है और अपील की जा रही है कि मुख पर मास्क लगाएं। अब आगे देखते हैं कि क्या 30 मई से भोपाल या राज्य, जो कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 3 मई से संपूर्ण भारत खुलने की आशंका है, तो खुल पाता है या नहीं। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.